बाद में जब मुगलों का शासन हुआ है तो इसको औरंगजेब ने तोड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है वी आर गोइंग टू भोजपुर महादेव के दर्शन करने। 2 महीने का सावन पूरा निकल गया पर कहीं जा नहीं पाए। हमारा प्लान था त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर जाने का, ज्योतिर्लिंग, 3 ज्योतिर्लिंग हमारे पूरे हो जाते पर समय नहीं मिला, कुछ चीजें ऐसी हो गई तो जा नहीं पाए। 30-31 को सावन खत्म हो जाएगा, उससे पहले अपन घूम के आते हैं भोजपुर। भोजपुर एक ऐसा मंदिर है जो आगे चल के मैं बताऊंगा, और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग वहाँ पर बना हुआ है। मौसम भी बड़ा शानदार है, थोड़ी धूप थोड़ी छांव। कल कोई साला मेरा हेलमेट टका हुआ था कांच पे, गाड़ी खड़ी थी ऑफिस के पास, कोई हेलमेट निकाल के चला गया है। वो हेलमेट पे कैमरा माउंट तो हो नहीं पाएगा, वैसे ही छोड़ लेंगे और चलते हैं। मिलते हैं फिर रास्ते में, पहुँच के बात करते हैं फिर। कडारा हिल्स पहुंचे हैं अभी, तो भूख लगी थी, मिर्ची भजी और पोहा खा के फिर सीधे कहीं नहीं रुकना भोजपुर। चलते चलते 1 घंटा हो गई, सिटी में इतनी भीड़ है, पूरा सिटी पार करके कडारा हिल्स पहुंचे। कडारा हिल्स से सीधा बाईपास जाएगा। भाई कैसा है भजिया का टेस्ट? नंबर वन। चले, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, भोपाल से 20-25 किलोमीटर है, पर वो भीड़ भाड़ की वजह से टाइम लग रहा है। मेरे हिसाब से पहुंच तो पाएंगे नहीं, 12 तो भोपाल में ही बज रहा है। इधर कटारा हिल्स में अंकित भैया रहते हैं, फ़ोन आया तो मैंने सोचा मिल के चलते हैं, पर वो निकल गए थे, वो तो है नहीं, तो अपन अभी से मिलते हैं। अभी आ रहा है तो वो पिछड़े हुए मिल गए बिछड़े हुए तो भाई निकलते हो, मिलने आ गए, अब निकलते हैं। अंकित भैया तो मिले नहीं, अभी जरूर मिल रहा है। अभी भी हम लोग चल ही रहे, अभी से मिले अंकित भैया मिले नहीं, उसके घर से थोड़ी देर रुक कर फिर निकले, अभी रास्ते में ही चल रहे हैं। मौसम बहुत सही हो रहा है, बाइक राइड करने का अलग ही सुबह हेलमेट और होता इतिहास बताता हूँ मैं आप लोगों को। लोग दर्शन करके आ जाते हैं, लोगों को पता नहीं है हिस्ट्री क्या है मंदिर की। चारों तरफ धान ही धान की खेती हो रही है। भोजपुर 5-1 किलोमीटर और बचा, ये बिंद की पहाड़ियां हैं पूरी। Everything in this world will be okay. Can we be together? बस पहुंचने ही वाले हैं, ये रहा मंदिर भोजपुर का। बड़ी दूर से दिखता है भोजेश्वर महादेव, इसकी भी जो कहानी है वो पहले मंदिर घूमेंगे, फिर सुकून से एक पत्थर पे बैठ के मैं सुनाऊंगा। मैं पूरी स्टडी करके आया हूँ, पढ़ के आया हूँ। फाइनली वी आर एट भोजपुर मंदिर, पैदल चले जा रहे हैं, प्रसाद ले ही लिया अपन ने। कितने? 90। लो एक काम करो, 10 इसको दे दो, 10 इनको दे दो, 10 तुम रख लो, ये लो 100। ठीक है, खुश जाए। अब ये देखो बंदर खाना छोड़ाएगा, थोड़ी लेके भाग गया। वाह यार,
शानदार बंदर है यहाँ पर, खाना वाना लेके भाग गए। बहुत शानदार मंदिर बनाया है, जैसे भी जिसने भी बनाया, किसने बनाया मैं बताऊंगा, पहले दर्शन कर लेते प्रसाद चढ़ा देते उसके बाद मैं बताऊंगा। टाइम में भीड़ ज़्यादा है इसलिए ये सब इनने लगा दिया। ये मूर्ति वही है जो तोड़ी गई थी, मतलब खतरनाक मंदिर है। इसकी स्टोरी अभी बैठ के सुकून शांति से मैं बताऊंगा, पहले दर्शन कर लेते। बहुत बड़ा शिवलिंग है ये देखो। पहले अपन एक परिक्रमा कर लेते हैं। बहुत बड़ा शिवलिंग है और प्योर पत्थर का बना हुआ है, इसकी बनावट मतलब शानदार। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये गुम्मत नहीं थी, ये काम सीएम ने करवाया। पिलर भी देखो यार कितना खतरनाक। अपन भी प्रसाद चढ़ा देते हैं। नीचे से तो जो दिन शिवलिंग दिखता ही नहीं है, इतना बड़ा है। आने के बाद वो पकड़े द्वारा की गई है माता कुंती की पूजा के लिए। माता कुंती से वो उपासक थी, जब तक शिव जी की पूजा नहीं कर लेती थी तो अंजन ग्रहण नहीं करती थी, तो उनके लिए उनके पुत्रों ने इस मंदिर का निर्माण किया। बाद में जब मुगलों का शासन हुआ है तो इसको औरंगजेब ने तोड़ा है। हाँ, उस बात को छुपाने के लिए कहते हैं कि मंदिर अधूरा रह गया, पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ। जबकि आप तो खुद जानते हैं, ज्ञाता है कि सनातन धर्म में स्पष्ट लेके कि जब तक मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। और दूसरा, अपने यहाँ खंडित मूर्तियों में भगवान का अंश नहीं मानते, तो इसमें टोटल मूर्तियाँ टूटी फूटी, इसे तोड़ा गया है। उस बात के लिए छुपाने के लिए कहते हैं अधूरा रह गया। इसमें भी कुछ मूर्तियाँ है ना, इधर लगी हुई है मूर्तियाँ टूटी। ये मंदिर का ये गेट है ये टूटा हुआ है, इसमें पूरा पहले कम्प्लीट था, इसे तोड़ा गया है। नहीं, उधर बहुत सारे ऐसा हाँ मैडम, एक मिनट जो कहानी मैं बैठ के सुनाने वाला था मैम, वो पंडित जी ने सुना दी, मैं उसको अच्छे से सुना दूंगा एक बार और। दर्शन हो गए, बारिश भी आने लगी, सोचा था उधर घूमेंगे, देखते हैं थोड़ी बारिश बंद हो जाए फिर समझते हैं, बैठ के बात बात करेंगे पूरा समझेंगे मंदिर के बारे में। चढ़ा दी अंदर, नारियल चढ़ाना वो नहीं था तो यहाँ बाहर चढ़ा देते नारियल।
फोड़ दे। शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरु वाज नाग नमद सृष्टि साज दिग दिग तक दिग दिग तक दिग 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 क्यू आर है। अगर ऑडियो गाइड अगर चाहिए तो इसको स्कैन करके सुन सकते हैं और ये पूरा विवरण है, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना क्या है क्या नहीं है, इंग्लिश में भी। तो बस अभी दर्शन हो गए, आज भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि यहाँ मंडे को बहुत भीड़ होती है, ऑफ डे है पर तब भी इतनी भीड़ हो रही है।